हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटेक बी स्मार्ट। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो M91 एप्लीकेशन है उसमें KYC कैसे करनी है। जैसे कि आपको पता ही है, आप कीबोर्ड 91 से जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं उसका जो विड्रोवल आप M91 एप्लीकेशन से ही ले पाओगे। तो इसमें KYC कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इस ऐप को ओपन करेंगे, M91 ऐप को। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता ही है कि KYC के बाद यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करना होगा। जैसे पहले बाय करेंगे, इसको सेल करेंगे, जैसे सेल करेंगे उसका पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा और ये 31 मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें KYC कैसे करनी है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपनी टीम में, जिससे वो भी जल्द से जल्द इस चीज को समझ सके और KYC कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके लिए आपको जैसे ट्रेडिंग का यहाँ पे ऑप्शन आया है, ट्रेड का, तो आपको इसको इस पे जाना है, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है कम्प्लीट योर KYC। ये पीले कलर की जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें आपको यहाँ पे लिखा रहा है कम्प्लीट योर KYC, आपको इस पे जाना है। देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फुल नेम, आपका जो फुल नेम है, जो आपका रियल नेम है, देखिए यहाँ पे जो भी जानकारी देनी है आप सही जानकारी देनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होती है वही जानकारी आपको देनी है। तो आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ है कीबोर्ड 91 में और उसमें M91 ऐप में, तो सही रहेगा। उसके बाद आपको UPI ID में डालनी है। अब UPI ID आपको पता ही है, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप ऐप यूज़ करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल और पेटीएम, कुछ वहाँ पे आपकी जो UPI ID मिल जाएगी। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिल जाती है आपको, जैसे मैं आपको पेटीएम का दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ शेयर भी करना अपनी टीम के साथ, जिससे वो भी जल्द से जल्द यहाँ पे KYC कर पाए। UPI ID आपको देखो यहाँ पे शो हो रही है, इस तरीके से आपकी भी यहाँ पे UPI ID शो हो रही होगी, तो आपको वो UPI ID डालनी है। आपकी पेटीएम में होगी या फोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपकी UPI ID मिल जाती है। जल्दी से हम आ जाते हैं M91 ऐप में। देखिए उसके बाद आप UPI ID डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे जैसे आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का आ जाएगा। यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे उसकी फोटो अपलोड करनी है फ्रंट वाली के पास। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो क्या करें कि अपने किसी फैमिली मेंबर जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हैं उनके नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, उनकी सारी डिटेल इसमें डालना और फिर यहाँ पे उनका हो जाएगा। और अगर जल्द कोशिश करिए आप ये जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड बनवाओ और अपना खुद का यहाँ पे ID बना लो। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे फ्रंट की जो फोटो है वो अपलोड करनी है, यहाँ पे बैक की फोटो अपलोड करनी है। जैसे हम देखिए इस पर टच करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, कैप्चर इमेज और फाइल। कैप्चर इमेज में हम उसकी फोटो क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर के क्या होगा, यहाँ पे जो पहले से आपकी गैलरी में फोटो है तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वीडियो अपलोड करना है। वीडियो अपलोड करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, जो वीडियो आपकी आपकी जो वीडियो है 20 सेकंड से ज़्यादा की ना हो। आप ध्यान रखना इस बात का, जब आप वीडियो बना रहे हो तो 20 सेकंड की ज़्यादा की वीडियो ना हो। इसमें आप जब वीडियो बनाओगे तो आप ध्यान रखना आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आईडी आपकी होनी यहाँ पे जरूरी है, जिसमें आपकी फोटो हो, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और एक वाइट पेपर आपका पास होना चाहिए। उसमें आपको लिखना है जिस दिन आप ये वीडियो बनाओगे उस दिन की डेट आप उसमें लिखना पेपर में, और वहाँ पे लिखना मोल 91 KYC वेरिफिकेशन, इस तरीके से आपको लिखना है। और वीडियो जब आप बनाओ तो ध्यान रखना कि वीडियो साफ बनी हो और अंधेरे में नहीं बनानी है, रोशनी में बनाओ। आप जब वीडियो बनाओगे तो आप सबसे पहले अपना जैसे आपको आईडी दिखानी है, फोटो आईडी दिखाओगे, उसके बाद आप अपना वाइट पेपर जो है वो उसको दिखाओगे और आपको बोलना है अपना नाम और डेट। और जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कि मेरा नाम है अमित कुमार, आज डेट है ये और मैं M91 KYC वेरिफिकेशन के लिए आज अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको बोलना है।
उसके बाद ये वीडियो बना करके यहाँ पे सबमिट कर देनी है। और यहाँ पे देखिए सी सैंपल, यहाँ पे एक सैंपल वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझा दिया गया है किस तरीके से वीडियो बनानी है। इस तरीके से फ्रेंड आपको यहाँ पे केवाईसी आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे केवाईसी सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा योर केवाईसी इन प्रोग्रेस। अगर आप देखिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते तो आपकी केवाईसी कैंसिल भी हो सकती है, इसलिए आप पूरा ध्यान रखिएगा कोई भी मिस्टेक इसमें ना करें। केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह करेंगे। देखिए जैसे एक्सप्लोर कॉइन यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे देखिए बहुत तरह के यहाँ पे कॉइन आते हैं और यहाँ पे इनके देखो प्राइस भी लिखे हुए हैं। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है हमारा बिटकॉइन, और यहाँ पे जैसे मैं एक ये वाला प्राइस लेता हूँ जिसकी कीमत है 14 रुपये। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी कॉइन आएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले बाई करेंगे। बाई करने के बाद उसको हम सेल कर देंगे। अगर आप चाहो तो उसको होल्ड भी करके रख सकते हो, चाहे शेयर मार्केट में करते हैं भाई इतनी देर के, इतनी देर के लिए रख लेते हैं तो अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका भी प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर डाउन जाता है तो बढ़ भी सकता है। तो आप यहाँ पे इसको तुरंत भी सेल कर सकते हैं। तुरंत जैसे आपने सेल करोगे तो उसका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। उससे बहुत ही अच्छा जो पेमेंट सिस्टम इनका हो जाएगा, बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, केवाईसी कैसे करनी है समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ भी शेयर करना जिससे वो भी केवाईसी कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरह की जो टेक्निकल वीडियोज है मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ और अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल भी कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलती है मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।